बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा है, बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा है, हर हर बम बम हर बम बम हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव जय भोले बाबा। दोस्तों अभी हमें ये दुमा बॉर्डर पे, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था आपका दर्शनीय से दुमा बॉर्डर तक जो झारखंड की स्थिति, अब हम यहाँ पे आ गए हैं बिहार और यहाँ से लेके हम चलेंगे आपको कोड़ियारी नदी तक और हम दिखाएंगे कि कैसा आपका तैयारी हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो जो है हमेशा दिखाता हूँ देख सकते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे जो फोन पे नंबर है आप जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जगह जगह पे जो देख सकते हैं जहाँ पे मेन पॉइंट है वहाँ पे कैमरा लगा दिया गया है ताकि उसको अच्छी तरीके से निगरानी किया जाए और इधर जो है पूरा ये जो टेंट वगैरह बन रहा है। तो चलिए तो दोस्तों ये हमारा दुमा से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से देख सकते हैं पूरा ये बैनर लगा हुआ है। इधर अगर आप देखें तैयारी बहुत बेहतर तरीके से, ये शौचालय जो बनाया गया एकदम पूरा एकदम हाइट मतलब वीआईपी टाइप का लग रहा है, पूरा अच्छे तरीके से इसको बनाया गया, पूरा टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है। और आगे हम लोग चलते हैं बिहार की क्या स्थिति है, कहाँ पे क्या क्या लाइटिंग व्यवस्था है कि नहीं, वो सारा चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं लाइट वगैरह अभी पूरे में नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा स्लो चलिएगा सर ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखते हैं श्रावणी मेला का ये जो बैनर है हर जगह लग चुका है, आगे चलते हैं आगे कहीं लगा है कि नहीं वो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाऊँ और यहाँ से थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकता है क्योंकि वन शॉट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो दिखाऊं। तो ये देख सकते हैं लाइटिंग जो है इधर लग चुका है, कहीं कहीं लाइटिंग जो है लग चुका है, ये सोलर वाला लगा हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिक वाला नहीं लगा अभी तक। तो ये अभी हम लोग जो है दुमा बॉर्डर से चलना स्टार्ट कर दिए हैं, यहाँ से सुल्तानगंज 83 किलोमीटर बता रहे हैं, एक्चुअल में 83 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से सुल्तानगंज। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो इधर का रास्ता जो है बहुत बेहतर है, थोड़ा सा स्लो चलना क्योंकि वीडियो हो सकता है कि पूरा लैग करेगा तो आपको अच्छे से देखने में दिखेगा नहीं। और इधर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ का दुकान बना है और कहाँ कहाँ जो है फुहारा लगा है, ये देखते हैं बिहार में, क्योंकि झारखंड में तो आपको कुछ जगह तो दिखा कि फुहारा लगा हुआ है, बिहार में लगा हुआ कि नहीं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं बम एक चल रहे हैं, आगे भी देखते हैं बम अगर मिलेंगे तो हम आपको दिखाते जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है बम चलना शुरू किए हैं और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बम जो है, यहाँ पे दो बम चल रहे हैं और सुविधाएं जो है बहुत मिलेगा आपको। दुकान वगैरह देखिए, इस समय भी दुकान लगा हुआ रहता था लेकिन अभी जो है दुकान इसमें नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और आके हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे क्या कैसा सुविधा है। ये देख सकते हैं पूरा जो है चौड़ा कर दिया गया है, रोड जो है बहुत बेहतर बनाया गया है, इधर जो है बारिश के कारण जो इधर बैठ चुका है और बारिश तो हुआ है, अभी बारिश नहीं हो रहा है देख सकते हैं, इधर सारा दुकान आपको देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं ये पूरा दुकान आपको इधर, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ दुकानें जो है चालू हो गया, बहुत बेहतर तरीके से इधर दुकान बनाया गया है। और ये साइड भी देख सकते हैं ये जो है दुकान आपको मिल रहा है, चालू दुकान मिल रहा है। और आगे चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं दुमा को जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस करते हैं हम लोग तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए लाइटिंग के लिए यह वायर दिया गया है जो शायद ये दुकान वालों के लिए है। और यह देखिए पर्यटक विभाग श्रावणी मेला, इस तरह का जो बैनर लगा हुआ है तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हम लोग जो है श्रावणी मेला स्टार्ट हो गया। ये हमारा मिथिला कवरिया सेवा स्थान आपकी सभी कवरिया का स्वागत करती है, ये देखते हैं ये आप सभी कवरिया का स्वागत करती है। आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं, इधर देखिए ये दुकान सब चालू हो गया, अब निश्चित है कि यहाँ पे आपको खाना वगैरह मिलेगा, उसके लिए निश्चित रहे टेंशन ना लें। और इधर भी जो है कुछ दुकान बना है, ये भी आपको इधर भी आपको देखने को मिलेगा। ये है कुछ निःशुल्क सेवा, श्री विष्णु बाल पितर डंडी आश्रम है, ये डंडी आश्रम है। और चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, उसके लिए निश्चित रहें कि मैं वन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा लंबा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जानकारी मिल जाए। पार्ट पार्ट करने से अच्छा कि मैं एक पार्ट में ही आपको पूरा वीडियो दिखा दूँ ताकि एक दिन में आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ तक काम हुआ है, क्या कहाँ कहाँ दुकान खुला है, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे देखें ये दुकान भी आपका तैयार हो जाएगा, आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं। बहुत जगह अभी दुकान नहीं बना है, बहुत जगह बन चुका है और चालू भी बहुत जगह हो गया, उसके लिए निश्चित रहें कि आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा और रहने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, इधर देखिए बांस वगैरह गिरा दिया है ताकि इधर जो है दुकान बन सके और आगे चलते हैं। चलिए
पूरा जो है बहुत बेहतर लग रहा है देखने में कवरिया पथ, और जो बैनर जो लग जाएगा ना तो और आपको लगे कि नहीं हाँ मेला स्टार्ट हो गया है। अभी तक इधर जो है हमें अभी कवरिया एक भी नहीं मिले हैं, आगे हो सकता है कि हमें मिलेंगे 100% है, कुछ ना कुछ कवरिया जो हमें मिलेंगे ही, अभी भले नहीं मिले हैं लेकिन मिलेंगे ही। तो इधर देखिए ये सभी दुकान जो है बनना शुरू हो गया है, ये सभी दुकान बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बांस वगैरह जो है इसको खोल के फिर से नया बनाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत जगह जो बन गया है अगर इधर देखें तो इधर भी देखिए दुकान बन चुका है और दुकान बना भी रहे हैं। इधर देख सकते मट्टी वगैरह गिरा दिया गया ताकि इसको अच्छे तरीके से दुकान बनाया जाएगा, इसको देखिए प्लान कर दिया जाएगा, ये सभी दुकान आपको देखने को मिलेगा। इधर भी अगर आप देखें ये सभी दुकान आपका बन जाएगा पूरा, ये साइड भी ये देखिए ये बांध के रखे हैं, इधर भी बन जाएगा। देखिए अपना जो दुकान में बालू वगैरह गिरा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये दुकान वगैरह में चालू है, यहाँ पे रुक के आप चाय वगैरह पी सकते हैं। ये देख सकते हैं इधर भी चौकी वगैरह रह सकते लगा दिया है ताकि आप ठहर सकते हैं। बहुत जगह दुकान ये सब देखिए मट्टी वगैरह गिरा के अपना जो है प्लान कर दे रहा है ताकि बम सब रह सकें। और इधर भी आप अगर देखें तो इधर भी जो है दुकान वगैरह बन चुका है, यहाँ पे भी आप आराम से रह सकते हैं। हर जगह जो दुकान आपको ना जगह जगह पे आपको देखने को मिल ही रहा है। चलते हैं, ये देख सकते हैं ये भी बन चुका है, और आगे यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे देखिए मट्टी गिरा के इसको प्लान करें क्या जाएगा, और ये देख सकते हैं दुकान यहाँ पे भी बन चुका है। और आगे चलते हैं और आगे हम दिखाते हैं, हम लोग आ चुके हैं पटनिया, और यहाँ पे आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे इधर देखिए बना हुआ कि नहीं। इधर भी देखें आप तो आराम से देख सकते हैं कि पूरा जो है दुकान बहुत बेहतर तरीके से इधर बन रहा है। ये साइड भी अगर आप देखें तो इधर भी बन रहा है, मतलब कि बहुत फास्टली से बन रहा है, एक दो दिन के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा। और कवरिया भी चल रहे हैं, जैसे ही कवरिया चलना स्टार्ट हुआ तो बहुत जगह जो दुकान बनना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं, और बहुत बेहतर सुविधा आपको मिलने वाला, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला। हर जगह जो दुकान आपको बिहार में तो मिलेगा ही, झारखंड में भी बनना स्टार्ट हो गया तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ। इधर देखिए ये सारा दुकान जो है बन जाएंगे, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जगह 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 पे जो दुकान बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ आगे आपको एक धर्मशाला भी मिलेगा, पटनिया धर्मशाला बहुत बेस्ट जगह है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। इधर देखिए यहाँ पे भैया सब काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, इधर भी दुकान बनना स्टार्ट हो गया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे दुकान चालू हो चुका है, ये सब दुकान चालू हो गया है। और ये भी दुकान जो हमेशा जो है धर्मशाला वाला चालू होता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें ये भी दुकान जो है आपका चालू हो चुका है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, ये पटनिया कहलाता है। आगे देखते हैं, ये सब भी जो है पूरा आपको जो दिख रहा है इस सब में पूरा दुकान आपका बन जाएगा, अभी नहीं बना है लेकिन बन जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको काफी मजा आने वाला है, इस जगह सावन में अगर बारिश थोड़ी हुई तो दोनों साइड जो है आपको खेती खेत में एक साइड आपको दिखेगा कि खेत में जो है काफी फसल लगाए जा रहे हैं, और इधर जो है आपको इधर तालाब में पूरा पानी है और बीच में कवरिया चल रहे हैं, इसका जो आनंद होगा जो सावन में आपको देखने को मिलेगा, बस कुछ ही क्षणों की समय है जो कि आपको देखने मिलेगा। इस बार तो बहुत कुछ देखने मिलेगा कि 2 माह का सावन है तो 2 माह तक काफ़ी मजे कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक दुकान देख सकते हैं, इस जगह तालाब के पास बना दिया गया जो बेहतर है, इस जगह देखिए और बहुत आनंदित कर देगा सावन में आपको। और जगह जगह पे ये देख सकते हैं ये जो गिराया गया इसको साइड से लगाया दिया जाएगा ताकि बालू जो बह ना जाए, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है, तो बहुत बेस्ट है। आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं लगातार जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अभी नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो फोन पे नंबर है जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें इस हालात में भी हम लोगों को चलना पड़ता है जिसमें कि काफ़ी बाइक नहीं चलते हैं, क्योंकि मुझे आपको दिखानी है पूरा कवरिया पथ, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगातार जो है दिखाऊँ, तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से अभी है। थोड़ा सा चलते हैं और हम आपको दिखाते जाते हैं, तो बहुत बेहतर है सुविधा अभी जो है सावन का। तो ये जगह जो आपको पता होगा जो तालाब के पहले का है, और इस जगह का नाम शायद पटनिया ही कहलाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इधर ये दुकान जो हमेशा खुला हुआ रहता, अभी भी खुला है, पहले भी खुला हुआ रहता था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी कवरिया कहाँ कहाँ है वो हमको देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं अभी जो कवरिया चल रहे हैं, बहुत सारे कवरिया जो है चल रहे हैं, अभी देख सकते हैं यहाँ पे 2 कवरिया बम मिले हैं जो कि अभी पैदल चल रहे हैं, और आपको देखने को मिलेगा 2-3 दिन के बाद और भी आपको कवरिया, मतलब जैसे ही सावन स्टार्ट हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा कवरिया आपको देखने मिलेगा, इतना कवरिया मिलेगा कि आप
आपको पूरा मजा आ जाएगा। कभी भी आपको थक कब्रिया साथ चलने में आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगा। इस सब जो हम अभी दिखा रहे हैं, शायद सावन में इतना दूर तक मैं आप शायद दिखा पाऊँ या नहीं कहूँ, क्योंकि इसमें उस समय जो है इधर जो गाड़ी जो है चलना मना कर देते हैं। और देखिए ये सब बांस वगैरह गिरा चुका है जो कि यहाँ पे दुकान बनेगा, ठीक है। ये देखिए भूतनाथ मिथिला धर्मशाला, एक नया धर्मशाला यहाँ पे बना है, ये देख सकते हैं। और एक और धर्मशाला बना है तो उसको में हम देखते हैं, ये देख सकते हैं बहुत बेहतर है, ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार है। और भी आगे हम आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं पूरा जो है दुकान इधर आपको बनेगा। ये पथ में जो है बालू, तो बिहार में तो पूरे में बालू बिछ चुका है, और इस सब गाँव वगैरह में तो आपको दुकान हमेशा ही मिलेगा। देख सकते हैं इधर खाने पीने का, और इधर देखिए स्नान वगैरह करने के लिए उधर भी बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा जो जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और पूरा जो देख रहे हैं तो उसको पूरा अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या कुछ है। ये देख सकते हैं ये जो है बन चुका है, इधर भी देख सकते हैं ये सब दुकान जो है बनना शुरू हो चुका है। और भी आगे देखते हैं, ये जो जगह है हमारा, इस जगह का थोड़ा सा मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन इस जगह यादव रेड्डी डे कहलाता है। ये जगह जो है यादव रेड्डी डे कहलाता है। और एक जो है काफ़ी बम का एक टीम आ रहे हैं, चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं जो कि चलते हुए, और यादव रेड्डी डे ये कहलाता था, ठीक है। तो चलिए आगे हम आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। हर जगह जो है दुकान जो है बनना शुरू हो चुका है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। जगह जगह पे जहाँ जहाँ दूरी पे तो एक सही डिस्टेंस पे आपका दुकान बन रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे बम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बम चल रहे हैं, बहुत सारे बम चल रहे हैं देख सकते हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे तो दोस्तों आगे चलते हैं और हम आपको आगे मिलाते हैं। इधर देख सकते हैं यहाँ पे जो है दुकान बनना शुरू हो गया है, और आगे देखते हैं कहाँ का दुकान बना है ताकि वो हम आपको बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ। बहुत बेहतर हर जगह दुकान बन रहा है, और चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। गुड़ियारी तक चलने वाले हैं, आगे हमारा जो है हरकट्टा मोड़ मिलने वाला है, तो चलिए देखते हैं। इधर तो बालू हर जगह बिछ चुका है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा चलने में। बारिश की वजह से जो है ना बहुत ही हम लोगों को आनंद आ रहा है, और आप लोगों को भी आ रहा होगा। बारिश हुआ है तो ये बालू भी थोड़ा सा बैठ चुका है, तो गाड़ी जो है हमारा अच्छे से चल रहा है। जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा था वो तो मैं आपको दिखाया हूँ। तो चलिए आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार, इधर देखिए ये सब दुकान जो है, ये सब दुकान चालू हो गया है। दुकान इधर आगे भी देख सकते हैं कि बना है कि नहीं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में पूरा अंत तक। और इधर देख सकते हैं ये सब पूरा जो है दुकान आपको चालू होगा, अभी नहीं दिख रहा है। इधर ये सब जो दुकान है जो पुराना है, अभी कोई इसको बनाया नहीं है, और शायद पता नहीं ये बनेगा कि नहीं, लेकिन हाँ इस जगह जो है आपको एक दुकान देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है बनना शुरू हुआ है। इधर आपको दुकान देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बम आपका चलता हुआ दिख रहा है। ये देख सकते हैं बम बहुत बेहतर लग रहा है, और पूरा भरा हुआ चलेगा बम तो बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और हम दिखाते हैं। बहुत सारा ज़्यादा बालू गिरा दिया था, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी इसको निकाला नहीं गया है। यहाँ पे और भी बम देख सकते हैं, महिला बम थे। और ये हमारा जो है हरकट्टा मोड़ कहलाता है, ये जैसे हम लोग मोड़ पे आएंगे वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हमारा गुड़ियारी नदी पड़ता है। तो ये सब जो है अभी एक भी जो है दुकान नहीं बना हुआ है। तो चलिए देख सकते हैं रास्ता जो बहुत अच्छा से बन गया है, कवरिया पथ जो है बहुत बेहतर तरीके से बन गया है। और ये वाला दुकान शायद हो सकता है कि आपको मिले बना हुआ, अभी नहीं बना हुआ, तो हो सकता है कि सावन में आपको मिल जाए, 1-2 दिन में तैयार हो जाए। इधर हमें पता नहीं क्यों नहीं बना रहे, इधर एक भी दुकान यहाँ पे हरकट्टा मोड़ के पास नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पे जैसे इस मोड़ को उस पार करते हैं तो इधर आपको एक दुकान ये जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, 12 मास देखने को मिलेगा क्योंकि मोड़ पे है। और इधर भी देखिए ये दुकान बनना शुरू हो चुका है। आगे चलते हैं आगे और हमारा कैसा रहेगा रास्ता वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देख सकते हैं इधर जो है दुकान चल बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये देख सकते हैं ये दुकान जो है बनना शुरू हो गया है, और कुछ कुछ दुकानें जो बन गया है। अगर इधर देखें तो इधर भी आपको दुकान, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये दुकान
बनना शुरू हो गया है। इधर भी देख सकते हैं तो इधर भी आपको बनना शुरू हो गया है दुकान, बहुत बेहतर। और इधर भी देख सकते हैं आपका, यहाँ पे भी कुछ कुछ बांस जो है लग चुका है, ये दुकान आपको बनेगा। और यहाँ पे बैनर वगैरह लग चुका है श्रावणी मेला का। और एक हमारा यहाँ पे डंडी बम मिले हैं जो कि दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। शायद इस बम बहुत पहले से चलते होंगे क्योंकि इसको काफ़ी समय लग गया होगा। और पता नहीं इस बम के साथ सही गोई कोई बम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बम चल रहे हैं और दंडवत प्रणाम करते हुए बोल बम। यहाँ पे देख सकते हैं इधर ये दुकान वगैरह हमारा हो चुका है। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कवरियाँ हमारे चल रहे हैं, बहुत बेहतर है। ये देख सकते हैं हर हर महादेव बोल बम। तो ये देख सकते हैं पूरा ये दुकान जो है ना, ये सब दुकान जो है बन इस बार का बना हुआ है। ये जो रेट जो दिख रहा है ताज़ा ताज़ा जो बंधन दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि इस बार का ही है। और यहाँ पे कुछ बम फिर आपको देखने को मिला है, बोल बम बोल बम बोल बम। यहाँ पे देख सकते हैं और भी बम चल रहे हैं और महिलाएं बम भी चलना स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बम आपको देखने को मिलेगा कांवरिया पथ में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो दुकान यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं काफ़ी दुकान बनना शुरू हो गया है, इधर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे ये साइड जो है दुकान आपको सावन तक में जो है आपको कुछ तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारा दुकान लगा हुआ रहता था, इधर देखिए ये भी दुकान बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे कुछ बम चल रहे हैं हर हर महादेव। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आता है इधर जो है हम चलते हैं, और बहुत सारे बम मिलते हैं तो और अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बम मिलेंगे तो और भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और बालू वगैरह जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बिछा दिया गया है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और आगे चलते हैं और आगे हम दिखाते हैं। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए इधर भी बनना स्टार्ट हो गया, चूल्हा वगैरह बन रहा है, दुकान वगैरह बन रहा है। बोल बम बोल बम देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे एक आपको डंडी आश्रम या तो एक धर्मशाला मिलेगा। तो चलिए लोग दिखाते हैं, यहाँ पे भी कुछ बम जो है चल, एक बम मिले यहाँ पे देख सकते हैं, एक बम यहाँ मिले, बोल बम बोल बम। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें चलने में। और यहाँ पे ये देख सकते हैं बेदही धर्मशाला मिथिला धाम, ये पता नहीं ये धर्मशाला बंद हो गया कि पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा बन रहा है टेंट वगैरह इसके लिए। और यहाँ पे आनंद धाम आश्रम है जो कि यहाँ पे देखिए गोड़ियारी नदी के पास आपको मिलेगा। और इधर देखिए यहाँ पे कुछ बम और भी आ रहे हैं। और आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं, इधर दुकान वगैरह चालू है कि नहीं। इधर देखिए ये गांव है तो ऑटोमेटिक है कि कहीं ना कहीं आपको दुकान मिल ही जाएगा। जहाँ पे गांव नहीं है उस जगह अगर रहता तो अच्छा होता। देखिए यहाँ पे जो है दुकान इधर भी बन रहा है, मतलब कि मैं कोशिश किया हूँ कि आपको दिखाने का दुम्मा बॉर्डर से लेके आपको गोड़ियारी नदी तक आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का दुकान बना है और कहाँ का दुकान नहीं बना है। ये सब सारे में दुकान जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो जितना भी दिख रहा है कि ये सारा जो है दुकान आपको तैयार हो जाएगा, अभी जो है बन नहीं रहा है। ये सब जो देखिए काम चालू हो गया है और ये सब में पूरे में दिखेगा, अभी भले चालू नहीं हुआ है लेकिन चालू हो जाएगा बहुत जल्द ही। आगे देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं ये साइड देख सकते हैं, इधर जो है बहुत बेहतर सुविधा यहाँ पे है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे कि सावन में काफ़ी पावन महीना में बहुत ही आनंद आता है। और ये जगह देख सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ये दुकान बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कोई बना रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही क्षण में हम लोग क्या है दुमा बॉर्डर बोलते हैं, गुड़ियारी नदी आने वाले हैं। और ये जगह मेरा खास है जो कि हमारे मित्र से मुलाकात हुई थी पंकज भैया, और ये जगह ही है जो कि हम लोग यहाँ पे मिले थे। ये देखिए ये जगह था, हम लोग यहाँ पे मिले थे भैया के पास ये जगह पे। तो चलिए आगे मैं पूरा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गोड़ियारी नदी में क्या पानी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बम जी चल रहे हैं, तो आगे ले चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये था हमारा पूरा जो है, इधर भी काफ़ी दुकान बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दुकान बना हुआ है। इधर तो आपको बहुत बेहतर अच्छे से मिलेगा, बड़ा बड़ा दुकान इधर बना हुआ रहता है। यहाँ पे काफ़ी कार स्टॉपेज भी रहता है गोड़ियारी के पास, देख सकते हैं ये दुकान बनना भी शुरू हो चुका है। और रोड तो आपको देख ही रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया है सरकार के द्वारा से। और आगे चलते हैं, उधर जो आगे बहुत कीचड़ वगैरह था उधर की क्या स्थिति वो हम लोग देखेंगे कि उधर कुछ बना है कि नहीं। ये सब पहले नहीं था, ये सब पहले था लेकिन अब इसको और अच्छे तरीके से इसको बना दिया जा रहा है और बहुत सारा जो है दुकान बनेगा। और इस बार जो इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा कि जो
कवरिया पथ का है, उस जगह को कहीं कोई भी बैरिकेड ना करे तो वो सही किया गया ताकि किसी तरह दिक्कत ना हो। और यहाँ देख सकते हैं इधर पूरा जो है पूरे में रास्ता में देख सकते हैं ये बहुत, यहाँ पे देखिए होटल वगैरह बन चुका है, चौकी वगैरह लग चुका है, यहाँ पे आराम कर सकते हैं। इधर भी ये साइड भी अगर आप देखें इधर भी मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से पूरे दुकान तैयार हो गया है, आपको मिलेगा ये सब बैनर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ रहता था। और इधर ये देख सकते हैं ये सबसे बड़ा दुकान आपको देखने में मिलता है गोड़ियारी में, और फिर से ये लग गया है, यहाँ पे बालू वगैरह बिछ चुका है और ये बहुत बड़ा ये दुकान होता है। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, खाना भोजन वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। इधर भी देख सकते हैं इधर दुकान बन रहा है, लेकिन इधर जो बालू गिरा रहा है पता नहीं ये जो बालू ये लोकल जो है लाल बालू गिरा रहा है, क्यों गिरा रहा है लाल बालू यहाँ पता नहीं, थोड़ा सा इधर इसमें जो है दिक्कत होगा कवरिया को चलने में। ये लाल बालू इसलिए गिरा रहा है क्योंकि इसमें पूरा जो है ना आपका साइड ही चलो, इसमें पूरा जो है गड्ढा था और काफ़ी मिट्टी था, तो ये लाल बालू के बाद जो है इसमें दूसरा बालू गिराया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। इधर जो देख सकते हैं लालू बालू गिराया गया है, और इसमें फिर हमें लगता है कि वो वाला बालू भी गिराया जाएगा, या तो इसमें ईंटा बिछा के फिर इसमें वो बालू गिराया जाएगा जो सुल्तानगंज वाला, लेकिन फिलहाल तो इसमें देख रहे हैं इसमें लाल बालू गिरा दिया गया क्योंकि यह काफ़ी कीचड़ टाइप का हो जाता है, इसलिए इसमें लाल बालू के गिरा के उसके बाद जो है सुल्तानगंज वाला बालू इसमें बिछाया जाएगा। अभी तक तो नहीं बिछा है, अब जैसे अगर बिछ जाता तो शायद आपको दिखाएंगे, अभी तक जिसमें नहीं बिछा हुआ है। तो ये देख सकते हैं पूरा पूरे में ही लाल बालू बिछा गया है, लोकल बालू जो कि काफ़ी कंकड़ में इस जगह गड़ेगा कवरिया को, क्योंकि थोड़ा सा मोटा बालू है, वो वाला सॉफ्ट बालू रहता तो और भी बेहतर रहता। तो इधर भी दुकान जो हर जगह पूरा बन रहा है, और ये जगह आने के बाद तो फिर पूरा आनंदित कर देता है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी बालू है। तो दोस्तों ये था हमारा गोड़ियारी, और आगे हमारा गोड़ियारी नदी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो दूँ। तो देख सकते हैं पूरा बालू बिछा हुआ है, इसमें तक चलने में तक तकलीफ तो होगी है। तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई को सपोर्ट करना चाहते तो स्क्रिप्ट में जो फोन पर नंबर है जरूर सपोर्ट करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हो सकता है कि गोड़ियारी नदी वाला पहले वीडियो आ जाए और ये वीडियो बाद में आए तो पता नहीं, लेकिन चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।